जो आप हैं जैसे आप हैं इस पृथ्वी पर, ऐसा ना कभी कोई था और ना कभी कोई होगा आप जिस प्रकार रोते हैं वो आपका रोना है जब आप हंसते हैं तो जिस प्रकार आप हंसते हैं वो आपका हंसना है। ये जो सिग्नेचर आप ये फिर कभी नहीं आप जैसे बहुत आप जैसा कोई नहीं। हमारे सभी श्रोताओं को हमारा नमस्कार और आज के दिन मैं आपसे यही बात करना चाहता हूं कि देखिए चाहे बाहर कितना भी अंधेरा हो और क्योंकि जो कुछ भी आज हो रहा है इसके कारण कई लोग हैं जिनको ये लगता है कि बाहर बहुत ही अंधेरा है और मैं ये बात सरासर मानता हूं कि सचमुच में बाहर बहुत अंधेरा है परंतु बात बाहर की नहीं है बात हमारे अंदर की है और हमारे अंदर एक उजाला है एक दिया है जो जल रहा है और उजाला दे रहा है देखिए आपने यह सुना होगा कि एक बार समुद्र मथन हुआ था एक तरफ देवता और एक तरफ दानव और उन्होंने एक पहाड़ लिया और उस रस्सी बांधी सांप था वो शेषनाग और फिर समुद्र मथन हुआ और काफी सारी चीजें निकली तो मैं एक दिन सोच रहा था कि इस, इस कहानी का तुक क्या है मतलब मतलब क्या है मथन हो रहा है और समुद्र में से ये सारी चीजें निकल रही हैं तो जब कोई भी कहानी अच्छी कहानी हो और उसको मैं सुनता हूं तो उसका क्या मतलब है मेरे जीवन में यह मैं जानने की कोशिश करता हूं तो मैं जब सोचने लगा इसके बारे में तो मैंने कहा कि हम मेरा भी इस जीवन के अंदर एक मथन हो रहा है और एक तरफ ये श्वास आ रहा है और जा रहा है एक तरफ जाने का मतलब क्योंकि जाना इस श्वास का जाना ये आखिरी चीज होगी जो मैं करूंगा और पहली चीज जो मैंने की वो थी इस श्वास का आना जाना नहीं आना पहले मैंने श्वास लिया और जिंदगी ने अपनी तरफ खेचा मैं जीवन था और हर समय मौत भी खेचती है और यह सोस जाता है फिर आता है फिर जाता है फिर आता है फिर जाता है और उस कहानी में तो जब समुद्र मथन हुआ तो बहुत सारी चीजें निकली विश्व भी निकला और अमृत भी निकला यह जो मथन हो रहा है इससे क्या निकल रहा है इससे क्या निकल रहा है जो मेरा जीवन है जिस जीवन को लेकर के मैं जिंदा हूं यह जो मथन हो रहा है क्या निकल रहा है विश मेरे अंदर से क्या निकल रहा है शांति आनंद अमृत या गुस्सा और ये सारी चीजें मनुष्य के अंदर है और ये मथन हो रहा है जीवन मौत जीवन मौत जीवन मौत जीवन मौत, जीवन, मौत। और ये सारी चीजें हैं और पूछना यह है अपने आप से कि क्या सचमुच में मेरे जो अंदर अमृत है जो सुंदरता है जो आनंद है वो आ रहा है बाहर या वो चीजें बाहर आ रही हैं जो ना मेरे को पसंद है जो ना मैं उनको चाहता हूं ना वो किसी के लिए भला करेंगी घमंड है मनुष्य को जब घमंड होने लगता है तो ये भूल जाता है कि ये जिंदगी और मौत के बीच में लटका हुआ है कहानी है कि एक बार एक राजा हाथी पे बैठा हुआ था तो वो भी नशे में दूध था हाथी भी नशे में दूध था और हाथी ने राजा को गिरा दिया गिरते गिरते राजा एक कुएं में जाके गिरा गिरते गिरते समय राजा को होश आया कि मैं गिर रहा हूं तो उसने हाथ से पकड़ने की कोशिश की और एक क्या कहते हैं टहनी थी उसको पकड़ लिया अब वो देखता है अब उसको होश आया तो वो देखता है कि एक टहनी पकड़ी हुई है और नीचे देखता है तो नीचे बड़े बड़े मगरमच्छ बड़े बड़े सांप और वो चाहते हैं कि राजा गिरे ताकि वो उसको खा जाए राजा ऊपर देखता है क्या हालत है तो दो चूहे एक सफेद एक काला उस टहनी को काट रहे हैं जिस टहनी को राजा ने पकड़ा हुआ है मतलब स्पष्ट है बात कि हम अज्ञानता के कारण न जानने के कारण और मैं ये भी कहना चाहता हूं कि एक तो बात होती है न जानना और एक बात यह होती है कि जान बूझ के न जानना जानते हुए भी अनजान बनना बहाना बनाना तभी तो लोग बहाना बनाते हैं क्या बनाते हैं बहाना हमारे पास टाइम नहीं है मतलब तो क्या कह रहे हैं आप क्या कह रहे हैं टाइम नहीं है किस चीज के लिए टाइम नहीं अपना टाइम बर्बाद करने के लिए तो टाइम सबके पास है <laughs> अपना टाइम बर्बाद करने के लिए तो टाइम सबके पास है परंतु इस टाइम को इसका सदउपयोग करने के लिए किसी के पास टाइम नहीं उल्टी गंगा रही क्या हो गया है संसार में ये जग अंधा मैं कई समझाऊं सभी बुलाना पेट का धंधा मैं कई समझा क्या करूं गुरु बेचारा क्या करे शब्द न लगे अंग कह कबीर कोरी गजी कैसे ला ले रहा कुछ नहीं <laughs> आती है बात अंदर मनुष्य क्या देखता है अपनी मुसीबतों को देखता है और मुसीबत से बचाने वाला कहता है अच्छा वहां मत जाना वहीं जाता है ये मत करना वही करता है किसी भी संकट में अपने आप को मत भूलो किसी भी संकट में इस श्वास को मत भूलो इस जिंदगी को मत भूलो क्या भूलता है आदमी उसी चीज को भूलता है कितना भी अंधेरा भार हो तुम्हारे अंदर उजाला है उसी को भूलता है फिर जब दुखी होता है तब उसके लिए सारा टाइम ही टाइम है टाइम ही टाइम है टाइम ही टाइम है जो आदमी दुखी है वो कभी ये नहीं कहेगा मेरे पास टाइम नहीं है मेरे पास टाइम नहीं है मेरे पास टाइम नहीं है सुख में सुमरण ना किया दुख में किया याद कह कबीर दातास की कौन सुने फरियाद जब सब कुछ अच्छा है तब तो इस चीज की तरफ ध्यान ही नहीं गया और जब सब कुछ गड़बड़ हुआ तब 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 मनुष्य कब मैं क्या करूंगा मैं क्या करूंगा मैं क्या करूं, वो सोचता है कि मैं ये कर दूंगा तो मेरे का मेरा ये, मैं ये पालूंगा ये मैं ये पालूंगा ये ये पालूंगा और जो पाया हुआ है उसको भूल जाता है <laughs> मनुष्य के साथ तो फिर यही बात हो गई ना कि जेब में छेद है जेब में छेद है और खूब सारा जहां भी वो जा रहा है उसको हीरे मिल रहे हैं, एक हीरा यहां मिला उसने हीरा उठाया अपनी जेब में डाला परंतु जेब में छेद है वो गिर गया दो तीन कदम आगे और बढ़ा फिर हीरा मिला हीरे को जेब में रखा परंतु जेब में छेद है अच्छा ये मालूम नहीं मनुष्यों की मेरे जेब में छेद है ये नहीं मालूम है मनुष्य और यही सबसे बड़ी चीज है कि जो पाया भी उसको बचा नहीं पाओगे उसको रख नहीं पाओगे क्यों नहीं रख पाओगे क्यों नहीं बचा पाओगे उसको क्योंकि जेब में छेद है ठीक ठीक इसी प्रकार का छेद अज्ञानता है और इस अज्ञानता की वजह से जो कुछ भी तुम्हारे पास आता है तुम उसको बचा नहीं पाते ये जो मथन हो रहा है इसमें से अच्छा भी निकल रहा है और बुरा भी निकल रहा है बचाना चाहिए अच्छे को फेंक देना चाहिए बुरे को और तुम उल्टा कर रहे हो जो बुरा है उसे बचा रहे हो और जो अच्छा है उसे फेंक रहे हो और अज्ञानता क्या है दूसरी बात जो अज्ञानता जानता है कि वो क्या अज्ञानता है और अज्ञानता को जानते हुए भी वो ज्ञान की तरफ नहीं जाता है अपनी ओर नहीं जाता है तो फायदा क्या है ज्ञान का अज्ञान का उसको फायदा क्या है जो आदमी पॉकेट में तो फ्लैशलाइट रखी हुई है टॉर्च रखी हुई है और अंधेरे में ठोकर खा रहा है और चिल्ला रहा है हाय राम हाय राम हाय राम हाय राम चोट लग गई चोट लग गई चोट लग गई चोट लग गई कोई बचाओ ये करो वो करो परंतु अपनी जेब में हाथ डाल करके वो लाइट जलाने के लिए तैयार नहीं लाइट में सब कुछ है फ्लैश लाइट में नई क्या कहते हैं बल्ब है सब कुछ ठीक है नई बैटरी है सब कुछ ठीक है खूब अच्छी रोशनी देती है परंतु अपने हाथ में लेने के लिए तैयार नहीं तो ऐसे में क्या होगा खुशखबरी यह है कि जब तक तुम जीवित हो वो दिया तुम्हारे अंदर जलता रहेगा और जब तुम उस दिए को अपने से भार में लाओगे तो चाहे कितना भी घोर अंधेरा हो वो घोर अंधेरा नहीं रहेगा फिर प्रकाश ही प्रकाश हो जाएगा और प्रकाश का मतलब प्रकाश का मतलब यह है कि अब तुम देख सकते हो कौन सी चीज कहां है कौन सी चीज से तुमको बचना है कौन सी चीज तुमको बचने की जरूरत नहीं इधर से मुड़ना है उधर से मुड़ना है इधर से चलना है उधर से चलना है सब दिखाई है ज्ञान देता क्या है आंख बंद है अंधेरा है अंधेरा है कभी इधर ठोकर खा रहे हैं कभी उधर ठोकर खा रहे हैं कभी उधर ठोकर खा रहे हैं कभी उधर ठोकर खा रहे हैं ऐसे करते 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 अगर पैर भी टूट गया तो फिर कहीं जा भी नहीं पाएंगे एक ही जगह बैठे रहेंगे एक ही जगह कहेंगे कि भगवान मेरे को ऐसा क्यों बनाया मेरे साथ मैंने क्या ऐसा किया था फिर कर्मों की बात होगी ये होगा वो होगा भगवान की तरफ ध्यान जाएगा तो भगवान की तरफ इसलिए ध्यान नहीं जाएगा कि भगवान तेने मेरे को ये मनुष्य शरीर दिया मैं कितना भाग्यशाली हूँ वो जहाँ ध्यान जाएगा कि तैने मेरे साथ ये अत्याचार क्यों किया नहीं यही तो होता है ना यही तो होता है तो लोग यही करते हैं कहीं जाता है कुछ करता है कुछ करता है कुछ करता है कुछ करता है जो तुम्हारे अंदर भगवान है उसकी भक्ति कैसे होगी केला चढ़ा के उसको 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 केला पहुंचाओगे कैसे उसकी भक्ति तभी हो सकती है जब एक तुम अपने आप को जानो इस जिंदगी को सचेत रूप से जियो और तीसरी चीज अपने हृदय के अंदर वो आभार भरे जब ये होगा तो सब कुछ होगा ये नहीं होगा तो कुछ नहीं होगा खाली हाथ आए थे खाली हाथ जाओगे और यही करना चाहते हो तो इसमें कोई खराबी नहीं है करो कोई बात नहीं परंतु क्योंकि तुमको मनुष्य शरीर मिला है तो एक संभावना उत्पन्न हुई है और वह संभावना यह है कि तुम आनंद से भर जाओ मेरा हृदय रूपये जो प्याला है वो आनंद से भर जाए ये हो सकता है ये हो सकता है सोचो विचारो और अपना ख्याल रखो आनंद लो और सभी श्रोताओं को मेरा बहुत बहुत नमस्कार